अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल हैं आप लोगों के? कैसे हैं आप लोग? हम यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और आज हमारे किचन से आ रही है बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी, वो है काली मिर्च गोभी की। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, वेजिटेरियन रेसिपी है, तो चलिए बनाते हैं काली मिर्च गोभी। आपने वही करना है जो आपने अभी तक नहीं किया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। 1 कप ऑयल डाला है मैंने, और सबसे पहले हम डालेंगे गोभी। इसको कर देंगे हम फ्राई। ये 1 किलो गोभी है और इसे हम फ्राई करेंगे। इसी के साथ ये तकरीबन 3 पाव आलू हैं, इसे भी हम डाल देते हैं गोभी के साथ, और इन दोनों को बहुत अच्छे से फ्राई करते हैं हाफ डन होने तक। आलू और गोभी जो है ये हाफ डन हो गई है। अब हम क्या करेंगे, करूंगी बंद और निकाल लेंगे हम ये तमाम सब्जी। अब ये जो 1 कप ऑयल है इसको मैं 1/4 पर लेकर आऊंगी, और बाकी तेल को हम स्ट्रेन करके सेव कर लेंगे और किसी और चीज में इस्तेमाल कर लेंगे। अब हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे। 1 सिनेमन स्टिक डाल रही हूँ, 1 काली मोटी इलायची डाल रही हूँ, 4 लौंग और तकरीबन 12 से 15 दाने काली मिर्च के, 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ जीरे का, और इसके साथ मैं डाल रही हूँ ये तकरीबन 1 मीडियम साइज का थिनी स्लाइस अनियन है, और इसे बहुत अच्छे से पकाएंगे जब तक हमारी प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। ब्राउन हो गए हैं प्याज, अब मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। चला लेते हैं इसे 30 सेकेंड के लिए। तेल हमारा गर्म है, मैं फ्लेम को कर रही हूँ मीडियम लो। अब मैं डाल रही हूँ टमाटर, ये 2 मीडियम साइज के टमाटर हैं। साथ में डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक का, मिक्स कर देते हैं। फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम हाई पे रखूँगी। 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ हल्दी का, 1 टीस्पून डाल रही हूँ कोरिएंडर सीड पाउडर, 1.5 टीस्पून डालूँगी काली मिर्च का। इन सबको चला लेते हैं। टमेटोज़ के सॉफ्ट होने तक हम इसे पकाएंगे, और ये हमारे जो टमेटोज़ हैं वो ऑलमोस्ट जो है वो सॉफ्ट हो गए हैं। एक मरतबा अच्छे से इनको भून लेते हैं। ऑयल सेपरेट हो गया है, ऊपर आ गया है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1/4 कप जो है वो दही का, इसे भी मिक्स कर देते हैं। हमने रेड चिलीज नहीं डाली हैं। फ्लेम को मैंने कर दिया है मीडियम हाई, ताकि हमारा जो दही है वो भी इसके साथ भुन जाए। दही अपना पानी छोड़ेगा, उस वक्त तक इसे पकाएंगे जब तक दही का पानी ड्राई नहीं हो जाता और ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। ये बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसमें वो जो फ्राइड हमारी सब्जी थी, वो सब्जी को कर देते हैं मिक्स। और अब कुछ ऐड करेंगे इसमें, डालूंगी हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया, और ऊपर से मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1/2 टीस्पून गरम मसाला, और इसे रखेंगे तकरीबन लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए दम पर। खोल कर देखते हैं और ये हमारा गोभी आलू किस पोजीशन में आ गया है। दे आर ऑलमोस्ट डन। मिक्स कर लेते हैं सब चीज़ों को, और बस अब हम करते हैं इसे डिश आउट। काली मिर्च गोभी की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में हमें भी याद रखिए। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए।